गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देसगांव से रुधी के बीच में बन रहे 4 लेन एक्सप्रेस वे के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं और दिखा रहा हूं कि यह काम कहां तक हो चुका है। दोस्तों, आप देख रहे हो यहां पर इस रोड का बेस वर्क कंप्लीट हो चुका है और अब ब्लॉक के अंदर गिट्टियाँ डालने का काम चल रहा है। इसके बाद में डामरीकरण या फिर सीमेंटीकरण किया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देसगांव से लेकर रुधी तक जो ये 4 लेन एक्सप्रेसवे बन रहा है, यह पूरी तरह से ज़मीन का अधिग्रहण करके बनाया जा रहा है। यहाँ पर कोई भी पहले से रास्ता या रोड नहीं था, इसलिए इस रोड को बनाने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बनाने के लिए जो नए रास्ते व्हीकल्स के आने जाने के लिए क्रिएट किए गए, उन्हें खेतों से या फिर उबड़ खबड़ रास्तों से निकाला गया है। दोस्तों, इस पूरे एक्सप्रेसवे को नागपुर से बड़ौदा एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, जिसका कि पहले चरण का काम देसगांव से रुधी के बीच में चल रहा है और बहुत ही तेज़ गति से चल रहा है। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे देसगांव के पास में जो घाट सेक्शन था वहाँ पर यह कनेक्ट हो रहा है। फिलहाल इसे इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे से जोड़ा जा रहा है। इसके बाद में नए चरणों में देसगांव से खरगोन बड़वानी अलीराजपुर होते हुए यह बड़ौदा के बीच में बनाया जाएगा। दोस्तों, सुनने में यह भी आ रहा है कि इसे NHAI ने 100 दिनों की योजना में शामिल किया है, जिसकी वजह से इस रोड को बनाने में काफ़ी कम समय लगेगा और इसकी डेडलाइन करीब 2 वर्ष की दी गई है हर चरण को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों, NHAI जो भी एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे का निर्माण करता है, उसमें आधुनिकता का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और यह रोड विश्व स्तरीय बनाए जाते हैं। इस पर व्हीकल्स को आने जाने में कोई भी किसी भी प्रकार के ऑब्स्टिकल्स ना हो, इसका भी पूरा ध्यान दिया जाता है। इन एक्सप्रेसवे को गांव शहर से बाईपास करके निकाला जाता है। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे खंडवा के लिए रिंग रोड भी साबित हो रहा है, क्योंकि इस रोड से डायरेक्ट इंदौर से आने वाले व्हीकल्स बैतूल की तरफ जा सकेंगे बिना खंडवा की भीड़ भाड़ और छोटे सकरे रास्तों से गुजरे बिना। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा यह अपडेट एक्सप्रेसवे से रिलेटेड, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। और फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।